दरअसल मध्य अमेरिका के एक मुल्क में प्राचीन शहर की खोज के साथ सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि रामायण की कथा में ऐसे सूत्र बिखरे पड़े हैं जो कहते हैं कि भारत या श्रीलंका की जमीन के ठीक नीचे वो लोक है जिसे पातालपुरी कहा जाता था। पातालपुरी का जिक्र रामायण के उस अध्याय में आता है जब मायावी अहिरावण भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण का अपहरण कर उन्हें अपने मायालोक पातालपुरी ले जाता है। पुत्र हनुमान मेरे पिताश्री हैं। रामायण की कथा के अनुसार हनुमान जी को अहिरावण तक पहुंचने के लिए पातालपुरी के रक्षक मकर ध्वज को परास्त करना पड़ा था जो हनुमान का ही पुत्र था। राम कथा के मुताबिक अहिरावण वध के बाद भगवान राम ने वानर रूप वाले मकर ध्वज को पातालपुरी का राजा बना दिया था जिसे पातालपुरी के लोग पूजने लगे थे। क्षमा कर दीजिए पिताश्री, मैंने आपको पहचाना नहीं, आपका अपमान किया। जब हनुमान जी वहां से लंका दहन करने के बाद अपने कुश पर लपेटे थे और उसमें समुद्र में गए हैं तो वो बताया जाता है कि वो पानी निकल गई वो जो मगर और उस कन्या जो है जल कन्या, तो उससे उनका जो मकर ध्वज का वो पैदा हुए वो उनकी शक्ल जो है बंदर और मगर दोनों से मिली जुली मकर ध्वजा इसीलिए उनको कहते हैं। और वो वहाँ पर चूंकि वो रावण के उससे जुड़े हुए थे तो उन्होंने महिरावण ने उनको अपना द्वारपाल बना लिया, तो पहले उनको लड़ाई करनी पड़ी उन जाने के लिए वहाँ जब वहाँ पहुँचे हैं। तो जब महिरावण को मार दिया और महिरावण की पत्नी को ये पता लगा जो हमारी इसमें लिखा हुआ है तो उसने फिर हनुमान जी से लड़ाई के लिए खड़ी हो गई, तो उसको उन्होंने बहुत तेज से झटका दिया तो प्रेग्नेंट होने की वजह से उसमें अहिरावण आया। और अहिरावण भी अपने में पैदा होते ही बहुत बलवान उसको हो गया बच्चे का वो तो उसको उन्होंने मार दिया जो कि बताते हैं कि 100 योजन दूर जा करके उस गिरा और तमाम उसको। होंडुरास के गुप्त प्राचीन शहर के बारे में सबसे पहले ध्यान दिलाने वाले अमेरिकी खोजी थियोडोर मोल्डे ने दावा किया था कि स्थानीय लोगों ने उन्हें बताया था कि वहां के प्राचीन लोग वानर देवता की ही पूजा करते आए हैं। उस वानर देवता की कहानी काफी हद तक मकर ध्वज की कथा से मिलती जुलती है। हालांकि अभी तक प्राचीन शहर सियुडाद ब्लांका और राम कथा में कोई सीधा रिश्ता नहीं मिलता। हम तो ये कहते हैं हम तो हमारा तो भारतवर्ष का एक अंग है, और अंग ही क्यों हम कहें, हमारी सभ्यता उनकी सभ्यता एक है, हमारी जो अभी सोच बढ़ी है दोनों में एकजुटता हो रही, विकास की गति बढ़ेगी इससे, तो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धता है और इस पर पूरे
भारतीय होने का सभी को फक्र होना चाहिए कि हमारे जितने ग्रंथ हैं वो प्रमाणित हो रहे हैं और उसमें कोई ये इतिहास का अंग है, ना कि ये कोई किंवदंती या कोई संरचना कपोल कल्पना जैसी। घने जंगलों जमीन के नीचे दफन एक प्राचीन शहर अपने इतिहास के साथ सांस ले रहा है, ये शायद दुनिया कभी नहीं जान पाती अगर अमेरिकी वैज्ञानिकों की टीम ने उसे तलाशने के लिए क्रांतिकारी तकनीक का इस्तेमाल न किया होता। लाइडर के नाम से जाने जाने वाली तकनीक ने जमीन के नीचे की 3D मैपिंग के जरिए सियुदाद ब्लांका के प्राचीन शहर को खोज निकाला। लेकिन अभी लाइडर टेक्नोलॉजी से जो नवंबर 2015 में अमेरिका ने अपने सैटेलाइट के थ्रू वो लेज़र बीम से बहुत हेवी तरंगी वहाँ से डाली, जिससे 3D मैपिंग करते हैं कि वो कोई उतार चढ़ाव तीन डायरेक्शन के जो भी फिगर हैं उसमें वो उन्होंने एक मैप बनाया चारों तरफ, वो देख रहे हैं कहाँ के होंडुरस में विशेषकर ये पाया उन्होंने कुछ पुरानी सभ्यताएं हैं। मध्य अमेरिकी देश होंडुरास में वानर देवता वाले प्राचीन शहर की खोज बरसों पुरानी है। होंडुरास में उस प्राचीन शहर की किंवदंती सदियों से सुनाई जाती रही है, जहां बजरंग बली जैसे वानर देवता की पूजा होती रही है। ये कहानियां होंडुरास पर राज करने वाले पश्चिमी लोगों तक भी पहुंची। प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक अमेरिकी पायलट ने होंडुरास के जंगलों में कुछ अवशेष देखने की बात की, लेकिन इसके बारे में पहली पुख्ता जानकारी अमेरिकी खोजकर्ता थियोडोर मोर्डे ने 1940 में दी। एक अमेरिकी मैगजीन में उन्होंने लिखा, उस प्राचीन शहर में वानर देवता की पूजा होती थी, लेकिन उसने शहर की जगह का खुलासा नहीं किया। बाद में रहस्यमय हालात में थियोडोर की मौत हो जाने से प्राचीन शहर की खोज अधूरी रह गई। मध्यशा आएगा तो मध्यशा वो एक ऐसा एक होंडुरस में पहले 1940 में वहां पे एक जियोलॉजिस्ट साइंटिस्ट ने वहां कुछ सभ्यता के बारे में कुछ वहां पर अपना ढूंढ डाल पहाड़ों के अंदर कर रहा था, तो वहाँ के लोगों से देखा तो वो लोग कुछ बंदरों की पूजा पर विश्वास, बंदरों की मूर्तियाँ पूजा का वो कर रहे थे। उसके बाद उसने ये प्रपोज किया कि यहाँ पुरानी कोई सभ्यता है और इसको खोद करके ढूंढा जाए क्या चीज़ है, तो उसको वहाँ उसके बाद वो विलुप्त हो गया। इसके करीब 70 साल बाद अब होंडुरास के घने जंगलों के बीच मस्कीजिया नाम के इलाके में प्राचीन शहर के निशान मिलने शुरू हुए हैं, जो संभव हुआ है लाइडर टेक्निक से। अमेरिका के ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी और नेशनल सेंटर फॉर एयरबोर्न लेजर मैपिंग ने होंडुरास के जंगलों के ऊपर आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों की मदद से प्राचीन शहर के निशान को खोज निकाला है। लाइडर टेक्निक की मदद से ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने होंडुरास के जंगलों के ऊपर से उड़ते हुए अरबों लेजर तरंगे जमीन पर फेंकी, जिससे जंगल के नीचे की जमीन का 3D डिजिटल नक्शा तैयार हो गया। 3D नक्शे से जो आंकड़े मिले उससे जमीन के नीचे प्राचीन शहर की मौजूदगी का पता चल गया। वैज्ञानिकों ने पाया कि जंगलों की जमीन की गहराई में मानव निर्मित कई चीजें मौजूद हैं। हालांकि लाइडर तकनीक से जंगल के नीचे प्राचीन शहर होने के निशान तो मिल गए, लेकिन ये निशान किंवदंतियों में जिक्र होने वाले सियुदाद ब्लांका के ही हैं, ये शायद कभी पता नहीं चल पाए। उन्होंने एक प्रमाण बनाया है, वो एनवायरमेंटल इश्यूज को लेकर के वो खुदाई तो नहीं अलाउ कर सकते, लेकिन उसका एक प्रमाणिक रूप सबके सामने है
उसकी फोटोग्राफ भी अभी आपको हमने दिखाया, ये अमेरिका की है, यहाँ की नहीं है, कोई इसको बना के चित्र ऐसे नहीं डाला, उनकी वेबसाइट पर। तो ये जरूर है कि ये मेलजोल आपस के, सभ्यता के मेलजोल आगे बढ़ सकते हैं, और आप किसी भी कुटुंब का कोई परिवार कहीं अगर है किसी भी देश में, अगर उसको ये लगता है कि हमारी सभ्यता यहाँ, हो सकता है अमेरिका हमसे ज़्यादा जुड़ा हुआ आ जाए, क्योंकि उसका राजा उस समय मकर ध्वज हुआ था, जो हनुमान जी का और उस पुत्र कहा जाता है। दरअसल पर्यावरण के प्रति सजग होंडुरास जंगलों के बीच खुदाई की इजाजत नहीं देता है। ऐसे में सिर्फ ये अनुमान ही लगाया जा सकता है कि जंगलों में एक प्राचीन शहर दफन है। इस इलाके में बजरंग बली जैसी वानर देवता की कुछ मूर्तियां जरूर मिली हैं, जिससे ये कयास लगाए जाने लगे कि कहीं किन विदंतियों का ये शहर रामायण में जिक्र पाताल पुरी का ही तो नहीं है। यूपी के बिजनौर में